रेडमी नोट 7, जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये फ़ोन चीन में लॉन्च हो चुका है। और इसका सबसे जो मेन हाईलाइट है 48 मेगापिक्सल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, 48 मेगापिक्सल। दोस्तों ठंड के दिनों में शाओमी ने जो है अपना रेडमी फ़ोन सेगमेंट सीरीज में जो जान लाने का काम किया है, इससे बाकी अदर जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी है वो बिल्कुल बूस्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि ये उन लोगों के लिए एक टेंशन का काम हो जाएगा, भाई शाओमी ने ये किया कैसे, रेडमी ने ये किया कैसे। और इसका प्राइस आप सुनोगे ना तो एकदम हैरत में हो जाओगे। जब ये इवेंट चल रहा था तो मैंने देखा कि प्राइसिंग जब इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिलहाल इसका भारत में क्या प्राइस होगा ये तो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं क्या है इसमें खास खास फीचर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 7, जो कि आपको डुअल सिम नैनो के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको MIUI 9 मिलेगा और एंड्रॉयड ओरियो पे ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.3 इंच फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। जी हाँ, और इसका एस्पेक्ट रेशियो आपको 90:5 मिलेगा। अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और 2.D कर्व ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.2 GHz स्पीड क्लॉक है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन जो है ना, कैमरा फोकस जो किया गया है कैमरा पे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कैमरा ही नहीं, इसका हर चीज़ बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन आपको 3GB, 4GB और 6GB रैम वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, और 32GB स्टोरेज और 64GB स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको मिलने वाला है। कैमरा की अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल LED फ्लैश के साथ ये आपको मिलेगा, जिसमें सोनी 586 सेंसर है, जिसका एपरेचर आपको 1.8 और सेकेंडरी जो कैमरा होने वाला है 5 मेगापिक्सल सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। और फ़ोन में जो है कि एकदम दमदार बूस्ट करने के लिए 4000 mAh की बैटरी भी आपको मिलेगी। तो आपका ये कंप्लेन नहीं होगा, भाई इसमें तो हमें बहुत ही कम बैटरी है। जी हाँ, 4000 mAh की बैटरी मिली, बहुत है दोस्तों। और बैटरी बड़ी है तो चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग भी होना चाहिए, तो इसमें भी आपको रेडमी ने निराश नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा और USB Type-C। जी हाँ दोस्तों, USB Type-C फास्ट चार्जिंग के साथ भी आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि क्विक चार्ज 4 सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर ऑडियो जैक की तो ऑडियो जैक भी इस फ़ोन में है, भूलिएगा ये मत, ऑडियो जैक। और बात करें तो ये 4G वोल्टी ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों सपोर्ट करता है, जो कि बाकी सारे फ़ोन में होता है। अब बात करते हैं इसकी हम प्राइसिंग की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, अगर फ़ोन में हमें सब कुछ अच्छा मिलता है, अगर प्राइस ही अच्छा ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या दोस्तों। जी हाँ, प्राइस जो है, अगर हम चीन की मार्केट की प्राइस अगर आपको बताएं तो आपको ये फ़ोन 3GB 32GB स्टोरेज वाला जो मॉडल है वो आपको 999 yuan, यानी कि लगभग अगर हम इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो 10,300 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, 10,300 रुपये। अगर हम 4GB 64GB स्टोरेज की बात करें तो ये 11,099, यानी कि 1199, यानी कि अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो 12,400 रुपये में ये फ़ोन हमें मिल जाते हैं। जबकि अगर 6GB 64GB की हम बात करें तो ये आपको 13,099 रुपये में चीन के प्राइस में है, और ये इंडिया की प्राइस अगर बात करें तो 14,500 रुपये में ये आपको चीन में उपलब्ध है। तो अगर इंडिया में रेडमी जो है
इस प्राइस में अगर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आप 1999 ले लो, 2999 ले लो, और 4099, यानी कि मैं 12,000, 11,000 और 15,000, मैं जो तीन वैरायटी, अगर इसका ये प्राइस अगर इंडिया में हुआ ना, तो सच में ये फ़ोन एकदम तबाही मचा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एकदम तबाही मचा देने वाला फ़ोन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताएं क्या है आपकी राय। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।